जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 सालों से इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क आने के पहले ही कंपनियां ढेर सारे 5G मोबाइल्स इंडियन मोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुकी है। पर अब ये खबर सुनने को आ रही है कि उनमें से कई 5G मोबाइल्स के अंदर 5G नेटवर्क काम ही नहीं करने वाला है। तो 5G ट्रेंड के अंदर आके आपने भी अगर 5G मोबाइल खरीदा है तो क्या उसके अंदर 5G नेटवर्क आने वाला है, आपके फोन के अंदर 5G नेटवर्क काम करने वाला है या नहीं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पर अगर आप चैनल पे नए हो तो 5G स्पीड से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल, वेलकम टू टेक ब्यूरो। वाकई में ये न्यूज शॉकिंग है। अब आप सब लोग ये जानते ही हो कि हमारे इंडियन मोबाइल मार्केट में कंपनियां कब से 5G मोबाइल जो है लॉन्च कर रही है, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है जब से हम 5G मोबाइल्स हमारे मार्केट के अंदर देख रहे हैं। और 5G मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी के नाम पर हमने भी वो मोबाइल्स खरीदे। आपने ही नहीं दोस्तों, मैंने भी कई सारे 5G मोबाइल परचेस किए हैं। इनिशियल लेवल पे जो 5G मोबाइल्स इंडियन मोबाइल मार्केट में लॉन्च किए गए थे उनके अंदर 4 से लेकर 5 5G बैंड्स आते थे। अब ये समझने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ्रीक्वेंसी, जी हाँ 5G मोबाइल फ्रीक्वेंसी के बैंड्स के बारे में समझना होगा। अब देखिए, हाल फिलहाल में जो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है उसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड टेलीकॉम कंपनियों को बेचे गए हैं। अब इस लिस्ट में से कोई भी एक 5G फ्रीक्वेंसी बैंड अगर आपके फोन में अवेलेबल है तो ही आपके फोन के अंदर 5G इंटरनेट चलने वाला है, क्योंकि इंडिया में यही 5G फ्रीक्वेंसी बैंड जो है अवेलेबल होने वाले है कंज्यूमर्स को और टेलीकॉम कंपनियों को, क्योंकि उन्होंने यही फ्रीक्वेंसी बैंड हाल फिलहाल में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के अंदर खरीदे हैं। अब इनिशियल लेवल पे जो मोबाइल लॉन्च किए गए थे कंपनियों के तरफ से, उनको तो ये पता नहीं था कि कौन से 5G फ्रीक्वेंसी बैंड इंडिया में जो है अवेलेबल होने वाले। उन्होंने अपने हिसाब से जो मर्जी आए वो बाहर देशों में जो 5G बैंड्स चलते हैं वो बैंड्स फोन के अंदर डाल के आपको 5G फोन बेचे हैं। लिटरली दोस्तों, कंपनियां ऐसा करती है और उन्होंने ऐसा ही किया है। अब अगर आपको श्योर होना है आपके फोन के अंदर 5G नेटवर्क चलेगा या नहीं चलेगा, 5G इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपको अभी अपने फोन के अंदर जाकर चेक कर लेना चाहिए ये फ्रीक्वेंसी बैंड क्या आपके फोन के अंदर अवेलेबल है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप गांव में, रूरल एरिया में, दूर दराज वाले एरिया में रहते हो तो आपके फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जियो का 5G नेटवर्क आने वाला है, क्योंकि सबसे लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है 700 मेगाहर्ट्ज़ की सारी रिलायंस जियो ने ही खरीदी है, ना तो एयरटेल ने खरीदे ना वीआई ने खरीदी है। तो आपके गांव के एरिया में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो का ही 5G नेटवर्क आने वाला है। अब क्यों आपके एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो का ही 5G नेटवर्क चलने वाला है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, आपको डिटेल पता चल जाएगा कि क्यों आपके एरिया के अंदर अगर आप गांव में रहते हो तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो का 5G नेटवर्क आएगा। अब जो भी हो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो 5G फ्रीक्वेंसी बैंड्स अवेलेबल होने वाले हैं वो बैंड्स अगर मोबाइल कंपनियों ने आपके 5G मोबाइल के अंदर डाल के प्रोवाइड नहीं किए हैं तो आपको 5G इंटरनेट सेवाएं यूज करने के लिए दिक्कत होने वाली है। तो अभी के अभी अपने मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाकर चेक करिए आपके मोबाइल के अंदर क्या वो 5G फ्रीक्वेंसी बैंड अवेलेबल है जो इंडिया में अवेलेबल होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलते हैं। थैंक यू।